जितिया के डाली लाना है कि नहीं लाना है, सब अपना अपना ला रहा है, जब महंगा हो जाएगा तब लाना, अपना इधर उधर टाल टल्ली मारते रहो। जितिया के दिन भगवान बेटा दिए, आगे एक जितिया में पोता हाजिर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। अभी आए हुए हैं जी एक हरे भरे जगह, शायद इस जगह को आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डाल देंगे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा करके देख लीजिएगा। हम लोग जी प्लान कर रहे थे दार्जिलिंग जाने का, लेकिन दार्जिलिंग का अभी मौसम मालूम चला कि वहां पर जो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और बारिश के समय में पहाड़ों में जाना सेफ नहीं है, लैंडस्लाइड सब का खतरा रहता है, तो इसीलिए हम लोग तो नहीं गए। हमारा जो दोस्त है सूरत, जिसको आप पीछे देख रहे होंगे, वह कह रहा था कि कहीं ना कहीं घूमने निकलना है, तो फिर सोचे कि कहां घूमा जाए, तो हमारे मन में जो है यही एक जगह आया। हाल ही में आए थे और ये हरा भरा जगह था तो काफी अच्छा लगा था, तो यहीं पर आ गए हैं और आराम से थोड़ी देर बैठते हैं सुकून से, और पीछे मंदिर भी है, पूजा सब करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे जी। घूमते घूमते आ गए यहाँ पर, यह जो बस बिट्टी है, और यहाँ पर जो है खूब फोटो खिंचवाया है सूरज, अच्छा अच्छा पोज सब दिया है। थैंक यू। इतना तो बनता था। हाँ, इतना तो बनता था, इतना मेहनत से आए हैं यहाँ पर, बस खाली कुछ खाने का लेते आते तो और अच्छा रहता, क्योंकि अब लग गई है भूख और आसपास कोई भी दुकान हमें दिख नहीं रहा है कि जहाँ से कुछ भी खरीद सकते। वैसे जब आखिरी टाइम आए थे तो कुछ दुकान खुला था, लेकिन अभी समय भी हुआ है सुबह के 9, तो इस समय नहीं खुला है कुछ भी। आराम से कहीं कहीं पर प्रसाद भी मिल जाएगा, पैर में लग जाएगा नहीं तो। तो यहाँ पर एक दुकान खुल गया, वहाँ से कुछ खाने का तो हम लोग ले लिए हैं, और यहाँ पर जो चर्चा सब चल रहा है, जबरदस्त चर्चा सब चल रहा है। हमारा महेश लाल महतो। महेश लाल नाम है आपका जी? अच्छा, क्या करते हैं आप? हम घर में रहते हैं। ऐसे पेशा से क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी है आपका? बेटा है, 3-4 बेटा है। अच्छा, आप ही का है सब खेत? जी हाँ। मखाना खेती से कितना हो जाता है? हो जाता है सर, मखाना तो हम निकाल लिए, निकालने से हमको जो है करीब रखिए 6-7 हज़ार रुपया का निकाले। 6-7 हज़ार रुपया। यहाँ पर कैसे किलो बिकता है अभी मखाना? बहुत भाव है सर। कितना? 500 की? कितना? जैसे हम लोग शहर में लेते हैं तो 700-800 हम लोग को मिलता है, लेकिन मेरा गांव हुआ सहरसा में, वहाँ भी मखाना खेती सब होता है, तो हम लोग 500 रुपया किलो ले लेते हैं। वही भाव यहाँ भी? वही यहाँ पर भी है। तो वहाँ से सामान लेने आते होंगे कोई, मखाना उनको आप देते हैं? पैकार आता है सर। पैकार आता है। अच्छा, अभी हम लोग गए थे, हमारा लड़का बेचा है 6 क्विंटल में। 6 क्विंटल? अच्छा, 6 क्विंटल का 6-7 हज़ार? हाँ। अच्छा, अभी क्या हुआ, हम लोग गए थे दुकान कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ महिला सब जो है चर्चा कर रही थी शायद कि ये लोग कौन है, ये सब किडनी उडनी निकालने वाला तो नहीं आ गया। कह के भाई साहब किस एंगल से हम लोग लगते हैं किडनी निकालने वाले? महिला का दिमाग ही एक अलग होता है। अच्छा, अब उसको थोड़ा सा बाप के साथ बोलिए, डर जाएगी और फिर बात भी सोचेगी। अच्छा, ऐसे आपका पूरा नाम क्या हुआ? किसका? आपका? महेश लाल महतो। नहीं, मौसम अभी बहुत अच्छा है। हाँ। जैसे आप शहर में जाइएगा तो बहुत गर्मी है, गर्मी है। हाँ। हम लोग अपना शहर में रहते हैं, उधर सोचे कि थोड़ा आते हैं इधर आकर के। हाँ, हरा भरा घूमने आइए। हाँ। और ये भारी डी मंदिर के बारे में सुने थे? हाँ। तो आए थे परसों, तो अपने पापा सबके साथ भी आए। भारी डी बोलते हैं कि झारी डी बोलते? भारी डी। भारी डी। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा घुमा फिरा हम लोगों का हो गया, अब उसके बाद जो है निकल रहे हैं, और खाने के लिए कुछ साथ में ले लिए हैं, यही मिला और कुछ था नहीं विकल्प, तो यही ले लिया है हमने। बाकी आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, कितना मस्त नज़ारा लग रहा है यहाँ से, और आगे यह पुल, अब इसको क्रॉस करना है। ये देखिए जी, क्या मस्त नज़ारा है इधर का, इधर का भी दिखा देते हैं, देख रहे हैं क्या जबरदस्त नज़ारा है। The next day. तो जी, आज क्रियांश को लगवाने जाना है वैक्सीन। क्रियांश का जो है अब 4th महीना हो चुका है, और यह जो वैक्सीन है, सुन रहे हैं कि इसमें 3 इंजेक्शन लगने वाला है, जो कि काफी ही क्या कहे जी, भयावह होने वाला है वह सीन हमारे लिए। और आप में से कई लोगों का मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि आप में से कई लोग कहते हैं कि आप लोग जो है पेनलेस इंजेक्शन सब लगवाइए। तो जी, पहली बार हमने पेनलेस इंजेक्शन ही लगवाया था, वो इंजेक्शन और जो अभी सरकारी हॉस्पिटल में जो लग रहा है, ज्यादा फर्क हमें नहीं पता चला ऑनेस्टली अगर कहे तो। हो सकता है जी हर जगह का थोड़ा अलग अलग एफिशिएंसी रहता हो। हमने जो पहला 2 वैक्सीन जो था, मतलब जो प्राइवेट क्लिनिक होता है वहीं पर लगवाया था, लेकिन मुझे कोई सा फर्क नहीं पड़ा। और जितने भी जानकार हैं, जितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनसे भी पूछा, वो सभी कह रहे हैं कि अगर जब बुखार होता है, बुखार आना मतलब अच्छी बात होती है, इससे पता चलता है कि वैक्सीन जो है काम कर रहा है। तो जी, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, सरकारी में ही जा रहे हैं, और जो प्राइवेट का जो कॉस्ट होता है वह लगभग अच्छा खासा कॉस्ट भी होता है, फिर उसके बाद परेशानी उतना ही, तो इससे अच्छा रहेगा कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएं, ब्लॉक में जाएं, और वहां पर तो सारा इंजेक्शन लग जाता है। टोटल वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट हमने देखा, जो भी हमने सुना है,
कि लगभग शायद 80 से 90 हजार के करीब कॉस्ट लगता है टोटल वैक्सीनेशन का, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ब्लॉक में यह सब आपको फ्री में मिल जाता है। बाकी क्रियांश जो अभी मालिश करवा रहा है, चारे को अभी पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जब भी वैक्सीन लगवा करके आता है भाई साहब, कष्ट में बहुत रहता है ये। क्या उंगली कर रहा है? उंगली डालने का आदत हो गया, एक टाइम पास हो गया इसका ये। और हम लोगों का काम होता है निकालते रहते हैं, और कभी कभी रो भी देता है कि आखिर क्यों निकाला उंगली। जय जय कर रहा है, जय जय। आज जैसे ही सुबह सुबह उठे, देखते हैं सुबह सुबह ही एकदम बारिश शुरू, और मौसम जो है अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। बारिश होने की भी जरूरत थी, लेकिन ज्यादा भी बारिश होने लगती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूरी गली में पानी जम जाता है। और यहाँ पर मम्मी का सुबह सुबह चल रहा है नाश्ता, चना मूंगफली और सेब है। नीचे हम सेब रखा हुआ, आप लोग खाइए। ठीक है, तो हम लोग भी खाते हैं। और जिया जो है मालिश छोड़ करके आ गई है इधर, इसको लेकर के। बाबू मालिश क्यों नहीं कर रही है पूरा इसका? कहाँ हुआ है? जितिया की डाली लाना है कि नहीं लाना है? सब अपना अपना ला रहा है, जब महंगा हो जाएगा तब लाना, अपना इधर उधर टाल टल्ली मारते रहो। अच्छा, जो असली काम है उसको पीछे छोड़ दो, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आने जगह आना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्व को दिन नहीं है, सामान जुटाते रहे। इस बार डाली तोड़ेगा मेरा पोता। अच्छा, अगला पीढ़ी। जितिया के दिन भगवान बेटा दिए, एक जितिया में पोता हाजिर। तो यहाँ पर हमारा लग गया है जी नींबू वाला चाय, जो कि हमें बहुत पसंद है, और माँ भी पी रही है। हाँ, तो माँ को तो तुम लोग दे दिया तो पी लेती है, माँ उसे दूध वाला चाय जबरदस्ती दिए दिए तो पी लेते हैं, लेकिन तुम्हारी यहाँ मेरा बहुत डिमांड है। अच्छा, क्या डिमांड है? तो मान लो हम अपना साड़ी पहन लिया, जितिया का साड़ी, लॉर्ड छठ का साड़ी। वाह, दो दो साड़ी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाँ, तो जितिया में तो साड़ी हम अपना ले ली है अभी, तो उसमें फॉलो लगाने थोड़ा देरी हो जाएगा। कैमरा साड़ी खरीद कर रख दो उसकी। वाह, चलो कोई बात नहीं, जरूर रख दिया जाएगा। भगवान तुमको इतना देंगे कि तुम साड़ी देते देते थक जाएगा, तब भी नहीं खत्म। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। लेकिन हमें तीनों बहन को फुआ सबको देना। सोनू बेटा, छुटका बेटा। तो बारी है क्रियांश के नहाने की, तो जल्दी से क्रियांश नहाएगा। और आज ही मौसम भी ठंडा है, और पानी भी देखते अच्छा खासा ठंडा है, तो ऐसे मौसम में जी क्रियांश को ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। थोड़ा सा पानी को जो है गुनगुना कर दिया है, उसमें नहाएगा, और जैसे ही गुनगुना पानी रहता है क्रियांश को बड़ा मजा आता है नहाने में, तो आज वो नहाएगा अपने फेवरेट पानी में। चले क्रियांश, नहीं नहीं करने। दादी जैसे हर जगह भगवान को प्रणाम करके जाती है, पोता में भी वही गुण आएगा हमेशा। एक पल भी आगे रखेगा तो ईश्वर को साक्षी मानेगा, उनके बिना तो चलता नहीं। मेरे जैसा भगवान का भक्त बनेगा और दुनिया का हर मुकाम हासिल करेगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसकी नहीं नहीं भी होनी चाहिए। चलो बबुआ बेटा, आज इसको वैक्सीन भी लगना है, तो जल्दी से नहीं नहीं कर लो, इसलिए नहा के भगवान को प्रणाम कर लेगा, वैक्सीन का आपको छिड़े नहीं हो। दादी क्या बोल रही है? दादी का बात मानेगा ना? हां, 20 मिनट्स लेटर। ओए होए, क्या हो गया क्रियांश को? क्रियांश का नहीं नहीं हो गया। बाबू तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। कुछ देर बाबू सो लो, उसके बाद वैक्सीन लगना है। इसको बस। ओ भाई साहब, और ये देखिए, इसका मुंह में हाथ लेने का बहुत ही गंदा आदत है। इसको जो मिलता है वो मुंह में लेने लग जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेता है। तुम हमारा बाबू अब सो चुका है। क्रियांश का भोजन हो गया जी, और क्रियांश जो है आराम से सो गया है। और अब जो है पापा को कोर्ट छोड़ने की भी बारी है, उससे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। पापा का भी खाना लग रहा है, हमारा भी लग रहा है। और आज खाने में क्या बना है देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा नजर जा रहा है इस चीज पर जा रहा है, चिप्स और चटोरी पर, जो की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। गाय के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, गाय के लिए लगा रही है। ओके, तो यहाँ गौ माता के लिए भोजन हो गया अलग से तैयार। रात की रोटी जब बन जाएगी तब रोटी उसके बाद इसमें डाल देंगे, गाय आती है मेरे गेट के सामने। एकदम टाइम पर आती है गाय पूरा खाने, पहला खाना गाय को ही देना। हाँ जी, तो जल्दी से अब खाना लगाया जाए, उसके बाद हम बैठते हैं टेबल पर। भोजन पानी तो हो गया जी हमारा, अब सीधा चलते हैं और पापा को कोर्ट छोड़ करके आते हैं, और रास्ते में कुछ लेना है तो वो भी ले लेंगे। पापा को तो कोर्ट छोड़ दिया थी, अब सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप। हमारी जो गाड़ी थी अभी तक भी रिजर्व में, हमें डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, लेकिन चलिए भाग्य भरोसे हम लोग पहुंच गए। पापा पहुंचा दिए कोर्ट, अब सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप। क्या लीजिएगा भैया? 201 का पेट्रोल तो हमने ले लिया जी, अब लेना है बाबू का फॉर्मूला मिल्क। बगल में ही मेडिकल स्टोर है, तो चलते हैं ले लेते हैं। 150 लेकर एक डब्बा, एक नंबर जी। पापा को छोड़ करके तो आ गए, और अब बारी है बाबू को ले जाने की, तो बारी आ गई है उसके वैक्सीनेशन की, तो चलते हैं उसको लेकर।